हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद आरजे। आप सब लोगों का स्वागत है इंग्लिश विद आरजे के ये नेक्स्ट सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पांच चीज़ें जो कि टेंसेस से पहले जानना ज़रूरी है। तो टेंस का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी, क्योंकि हमें टेंस समझने से पहले पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या होता है वो हम समझेंगे। देन हम समझेंगे पॉइंट्स ऑफ व्यू, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। हम लोग देखेंगे वर्ड्स ऑफ WH फैमिली, ये फैमिली होती क्या है और इस फैमिली में किस तरह के शब्द हैं हम वो देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ब क्या होती हैं और किस तरह की वर्ब्स होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं सेंटेंस पे, वाक्य पे। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अभी जो सेंटेंस होता है उसमें जनरली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा होता है वर्ब क्रिया, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं कारक। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पीपल आर डांसिंग, लोग नाच रहे हैं। अगर हम इस वाक्य में देखें तो जो पीपल है वो सब्जेक्ट को रेफर करता है, कर्ता को रेफर करता है, एंड जो डांसिंग है वो दर्शाता है जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, जो कि होगा वर्ब। तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? नहीं, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम दूसरा अपना एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो हम है, वी है, वो है सब्जेक्ट कर्ता, जो टीवी है वो है कारक, और जो वॉचिंग है वो है वर्ब क्रिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि ये कर्ता होता क्या है। कर्ता जो भी, अगर आप किसी सेंटेंस में देखेंगे जो भी इंसान कुछ काम कर रहा है, चाहे वो इंसान हो या वस्तु या कुछ हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सेंटेंस में लगेगा वो सब्जेक्ट है। जो एक्शन वर्ड्स रहेंगे वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट होगा जिसका, जो भी सब्जेक्ट कर रहा है उसका जो भी इफेक्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्ट पे। तो जो भी चीज़ें हम बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें कर्ता जो भी कर रहा है उससे इफेक्ट होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं ऑब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं, तो हमारी टीवी, तो टीवी क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं कि मीना डांस कर रही है फर्श पे, तो हम क्या बोलेंगे? मीना इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे फ्लोर का पे फर्क पड़ रहा है जब मीना डांस कर रही है, राइट? तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो मीना होगी वो होगी कर्ता, जो डांसिंग होगा वो होगा वर्ब, और जो फ्लोर होगा वो होगा कारक। आई होप आपको सेंटेंस क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट ऑफ व्यूज। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन को हम जानेंगे। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब When the speaker talks about himself or herself, जब जो person होता है वो अपने बारे में बात करता है, जैसे मैं हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ, तो I, वो क्या हो गया? First person। मेरे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, तो I की जगह क्या हो गया? ज़्यादा लोग हो गए। I जब था तो एक इंसान था, सिंगुलर नंबर था, लेकिन जब बहुत सारे लोग हो गए तो प्यूरल नंबर हो गया, तो वो वी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन, वो होता है जब मैं जिससे, जिसको रेफर कर रही हूँ, जिससे बात कर रही हूँ, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? यू, राइट? तो यू हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू होता है, और प्लूरल की जब मैं बात करूँ तो वो भी यू होता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? बाकी वो सब लोग, कि आप और मैं अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आपने जाके हमने किसी को पॉइंट आउट किया कि ओके वह मूवी देख रही है, जब हम लोग बात कर रहे थे तो वह मूवी देख रही है, तो शी इज़ वॉचिंग मूवी, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो शी का वह मूवी देख रहा है भी हो सकता है, तो ही शी
और कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो दे ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड थिंग होता है। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें और सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट प्रोनाउन की, तो आई और वी होता है। जब अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करूँगी तो आई का मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट प्रोनाउन यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन की जब मैं बात करती हूँ तो ही, शी, दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन उन्हें जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट किया जाता है तो हिम, हर और देम हो जाता है। थर्ड थिंग को हम, जो कि लिविंग बींग्स नहीं हैं, उन्हें जब हम डिनोट करेंगे तो उसे इट से डिनोट करेंगे। तो चाहे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, दोनों को इट से डिनोट किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली होते क्या हैं आखिर। तो वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली में ये जो सारे वर्ड्स आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा और भी वर्ड्स आते हैं जो कि हम बाद के लेसन्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हैं अभी आपके लिए टेंस पढ़ने से पहले। तो ये वर्ड्स, और मैंने इसका मीनिंग दिया है, वॉट, क्या, वाई, क्यों, वेन, कब, वेर, कहाँ, हाउ, कैसे, हु, कौन या जो, दोनों बोल सकते हैं, विच, कौन सा या जो, हुज, किसका, हुम, किसे, किससे, किसको, ये जब भी आए तो हुम आप यूज़ करेंगे, हाउ मैनी, कितने, तो जो भी चीज़ें काउंट की जा सकती हैं उसके साथ हाउ मैनी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रकार जो सेंटेंसेस के हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे प्रकार हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हम असर्टिव भी बोलते हैं, जो कि सकारात्मक होता है। मैंने बोला लोग नाच रहे हैं, पीपल आर डांसिंग। मैंने बोला लोग नहीं नाच रहे हैं, तो नेगेटिव मतलब नॉट लग जाता है बेसिकली सेंटेंस में, पीपल आर नॉट डांसिंग। क्वेश्चन जो हम किसी को पूछते हैं, जिसे हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक जो कि सारे के सारे वाक्य होते हैं, क्या लोग नाच रहे हैं, आर पीपल डांसिंग। देन एक नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक, aren't people dancing, क्या लोग नहीं नाच रहे हैं। देन डब्ल्यू एच फैमिली के साथ भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, why are people not dancing, या लोग कब से नाच रहे हैं, how long have people been dancing, लोग कब से नाच रहे हैं। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जिसे हम अपने टेंस में भी पढ़ेंगे। सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप के टेंस होते हैं, उसके हर टेंस को हम डिफरेंट सेंटेंसेस में भी बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है वर्ब। तो वर्ब में दो हमारी होती हैं, मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि आपको सेंटेंस में ज़्यादातर दिखेगी। मेन वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं, बिकॉज वही दिखाती हैं, वो सारे के सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो दिखाते हैं कि भाई हाँ, कि सेंटेंस में क्या काम चल रहा है और कर्ता क्या काम कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब क्या बताती हैं मेजरली, कि कौन से टेंस में एक्चुअली ये सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब भी हमें हेल्प करती हैं नेगेटिव बनाने में सेंटेंस को, और इंटरोगेटिव बनाने में। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज वर्किंग नाउ। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, जबकि वर्किंग हमारा मेन वर्ब है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प करती हैं, तो अगर मैंने बोला राम काम नहीं कर रहा है, तो राम इज नॉट वर्किंग, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे और आपका सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपको इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, इज राम वर्किंग, क्या राम काम कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके अलावा हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस टेंस को कौन सी हेल्पिंग वर्ब दर्शाती है। तो जब भी मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूंगी, तो प्रेजेंट चाहे वो किसी भी टाइप का प्रेजेंट हो, ये सारी की सारी वर्ब्स जब भी होंगी, जब मुझे दिखा डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज हैव बीन,
तो मेरे दिमाग में क्लिक कर लेना चाहिए ओके कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जब भी मुझे दिखा डिड वॉज वर हैड हैड बीन ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब भी मुझे दिखा विल विल बी विल हैव बीन तो वहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर टेंस की। हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि विल के साथ शैल का भी यूज़ किया जाता है किसी किसी सेंटेंस में, लेकिन जनरली अभी हम फ्यूचर टेंस को दिखाने में शैल को अवॉइड करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते हैं। ओके तो ये था वर्ब के बारे में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को जानना, जो कि है वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, एक होता है बेस फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म जिसे हम सेकेंड फॉर्म भी बोलते हैं, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। मैंने कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल दिए हैं कि लाफ मतलब हंसना होता है लाफ्ड लाफ्ड, पेंट पेंटेड पेंटेड, हैपन हैपेंड हैपेंड, बेंड बेंड बेंट, कुक कुक्ड कुक्ड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, थोड़ी सी वर्ब्स हैं जिन्हें याद रखिएगा आप लोग। अभी मैं नेक्स्ट सेशंस में अपने आप लोगों को काफ़ी सारी वर्ब्स भी याद कराऊंगी, क्योंकि वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी सेंटेंस को हमें फॉर्म करना होगा तो हमारे पास क्रियाएं और हमारा वोकैबुलरी हमारा शब्दकोश ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग ये वर्ब सारी की सारी आप दिमाग में रखिएगा। तो थिंग्स वी लर्न टुडे, आज हमने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली के जो इंटेरोगेटिव बनाते हैं वो भी एक टाइप के सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और ज़्यादा यूज्ड वर्ड कौन से होते हैं, और हम लोगों ने फिर बात की कि वर्ब क्या होती हैं, क्रियाएँ क्या होती हैं, और किसी सेंटेंस में हमें जनरली दो तरह की क्रियाएँ दिखती हैं, एक दिखती है हेल्पिंग वर्ब और एक दिखती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब का सेंटेंस में थोड़ा हेल्प करती हैं, और हेल्पिंग वर्ब देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से टेंस में है, राइट कौन से काल में ये वाक्य है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने सीखी कि जो भी क्रिया होती है उसके तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। इसके अलावा हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि हमें अपना वोकैबुलरी बढ़ाना है, अपना शब्दकोश बढ़ाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हमें पता होंगे और उनका हिंदी मीनिंग हमें पता होगा, उतना ज़्यादा जल्दी हम लोग अपना स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हों। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके डाउट या क्वेरीज। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।